रुद्रपुर में नगर निगम पार्षद अमित मिश्रा का अपहरण किया गया है। बदमाशों ने 20 लाख की फिरौती मांगी है। अब परिजनों की तहरीर पर यह मामला दर्ज हुआ है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे अमित मिश्रा और अब उनके अपहरण की खबर से सनसनी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं विकास से। विकास, ये बताइए कि क्या डिटेल मिल पा रही है अब तक? इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो ये अमित मिश्रा का अपहरण है ये हो गया है। लगभग 15 तारीख को इनका देर रात अपहरण हुआ है, मगर जो उसके बाद इनकी मम्मी ने तहरीर दी है और इनके पास एक ऑडियो आई है। इनका कहना है कि एक जो उनके पास फोन कॉल आई थी उसमें जो है कहा गया था कि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और 20 लाख रुपए की उन्होंने फिरौती मांगी है, रंगदारी मांगी है। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए उनको दे दिए जाए तो उनको छोड़ दिया जाएगा अमित मिश्रा को, और अन्यथा उनकी जो है हत्या कर दी जाएगी। अब फिलहाल कारण क्या है और किस वजह से उन्हें अपहरण किया है ये अभी नहीं पता चल पाया है। कौन वो लोग हैं आखिर जिन्होंने पार्षद, जो कांग्रेसी पार्षद हैं अमित मिश्रा, उनका अपहरण किया है ये भी अभी नहीं पता चल पाया है कि वो कौन लोग हैं। पुलिस इन सब चीज की जांच में लगी हुई है। उनकी माँ के पास जो कॉल आया था उस नंबर की भी डिटेल लगाई हुई है, ट्रेस उनको किया जा रहा है, मगर जो लगभग तीन दिन हो गए उसके बाद भी पुलिस ने सबको नहीं पकड़ पाई है। ये एक बड़ा जो सोचने का विषय है। इन सब चीजों को लेकर के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, मगर इससे पहले पुलिस ने जो है उसको दबा के रखा था। अब जो है मामला पूरा जब खुलकर सामने आया है तब जो उसमें जो हड़कंप मचा हुआ है पुलिस प्रशासन में, और इसके साथ साथ जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी लगातार पुलिस से बात कर रहे हैं कि जल्दी उनकी बरामदगी की जाए, अन्यथा जो है उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा क्योंकि एक पार्षद की अपहरण हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल ये बड़ा मामला है। अब देखते हैं कि इस पर कैसे जांच और इन्वेस्टिगेशन। देखिए, 3 दिन तक तो बताया ही नहीं जाता है, शायद खुद से निपटने की और डर के मारे परिवारजन ही नहीं आए पुलिस तक ये बताने के लिए। लेकिन अब जब ये मामला सामने है तो साइबर टीम की मदद लेकर कितने जल्दी पहुंचते हैं ये बड़ी चुनौती है। शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। पार्षद हैं अमित मिश्रा, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। 15 तारीख को अपहरण हुआ, किडनैप हुआ, 20 लाख की रंगदारी मांगी गई, लेकिन अब इनकी माता जी ने पुलिस में ये मामला दर्ज कराया है, पुलिस के ज्ञान में आया ये मामला। आप देखते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जांच की जाती है और सबसे बड़ा सवाल सकुशल अमित के वापस लौटने का है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।